वो नीचे जाके गिरूंगा। ये जंगली फ्रूट जो है वो ट्राई करते हैं। देख, एक से एक दिन जो है ना जी वो ज्यादा मजीद मुश्किल आता जाता है। धूप, गर्मी, चढ़ाई, पानी की कमी, अपना आप बचाना भी ना बहुत ही मुश्किल होता है। ये तो छोटा पत्थर था, बड़े बड़े पत्थर आते हैं ऊपर से। हम इधर स्टक हो चुके हैं। खांडा, बेला, कोपरा और कायनाड को हम अपनी देसी जुबान में बोलते हैं बोली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मालिक का बहुत बहुत करम होगा आप सब पे। तो आज रात को हम लोगों ने हटिया बाला के साथ ऊपर एक गांव है नोगरा, यहाँ पे स्टे किया था। और जानी भाई आज हम कहाँ पे जाएंगे? ऊपर जाएंगे, उस जगह का नाम मैं आपको सही करके पूछ के उसकी इन्फॉर्मेशन लेके बताऊंगा कि आज हमने ऊपर कहाँ पे जाना है। बेसिकली जिस तरह पहले हमने नेजा गली वाली वो गंगा चोटी वाली पहाड़ी क्रॉस की है, अब हम पंचकोट वाली पहाड़ी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता सफ़र करके जा रहे हैं। तो आज अभी सुबह सुबह हम लोगों ने अपनी पैकिंग शैकिंग कर ली है, ये रहे इनके गधे, इनको लोड करना है और अपने सफ़र का करना है आगाज़। ये सीन है, इन्हीं सीन्स के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज हमने जी बेसिकली जिस जगह पे सफर करके जाना है उसका जगह का नाम है कायनाड। और आज हमारा सफर होने जा रहा है काफी मुश्किल। यही बात है जानी भाई? यही बात है, बहुत मुश्किल सफर होने जा रहा है। बहुत मुश्किल है। वजह क्या है? पहाड़ी है, दूसरा मारो है, अच्छा उसके बाद खड़ा पैना है। मतलब जानी भाई का कहने का ये कि आज हमारा जो सफर है ना, इसमें एक तो हमें पहाड़ी को फेस कर रहा है, आज हमने पहाड़ी कैसे ऊपर चढ़ के जाना है, तो उसकी वजह से ना सफर काफी ज्यादा मुश्किल होगा। और दूसरा ये कि पानी की कमी है उस इलाके में, तो यहाँ से जो पानी साथ लेके जाएंगे वही काम आएगा। सफर हमारा जी अल्हम्दुलिल्लाह से स्टार्ट हो चुका है। पहाड़ी देखे, इसको देख के ना खौफ आता है, इतनी ज्यादा हाइट है ना इस पहाड़ी की। भाई साहब अभी हमने पहले नंबर पर ये वाली पहाड़ी क्रॉस करनी है। इस तरफ नीचे जो इलाका है ये नोगरा का इलाका है सारा ये वाला, और उस तरफ नीचे आ जाता है हटियां, और वो जो सामने पहाड़ियां हैं ये हम क्रॉस करके आए हैं। और अब नया सफ़र, नई मंजिल, इंशाल्लाह क्रॉस करते हैं अब ये वाली पहाड़ियां। आज जिस इलाके में हम आगे जा रहे हैं उस इलाके में पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, तो इस वजह से गैलन जो है ना वो उठा लिए हमने, और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने जा रहा है आज का सफ़र। उसकी वजह एक तो धूप है सख्त, और ये इलाका ना ठंडा इलाका नहीं है, ये गर्म इलाका है, तो गर्मी में सफ़र करना ये सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। आहिस्ता आहिस्ता जी हाइट की तरफ सफ़र हमारा जारी है। वो नीचे एक जगह थी, वहाँ से हमने सफ़र शुरू किया और अभी काफ़ी ऊपर पहुँचा है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना देखने में लगता है। ये सामने जो पहाड़ियाँ हैं, उस पहाड़ी से रीसेंट एपिसोड में आपके भाई ने आपको ये दिखाई थी और बोला था कि हमने इन पहाड़ियों पे जाना है, और आज फाइनली इन पहाड़ियों पे पहुंच चुके हैं। इतने दुश्वार गुजार रास्ते हैं जी, बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर खड़ा हूँ इस वक्त, और यहाँ से एक पांव भी अगर स्लिप होना तो बंदा वो नीचे जाके गिरेगा। उनका रास्ता नहीं है, उनको मूव करके कहीं ऊपर से ला के यहाँ तक पहुँचाएंगे, फिर इधर से आगे रास्ता जाता है, और बड़ा ही औखा काम है इनको क्रॉस करवाना इस तरह की जगह से। यहाँ से रिस्क है ज्यादा, ये जो जगह है ना यहाँ से अगर गिर गया ना तो बड़े हालात खराब होंगे। चल 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 चल, बहुत ज्यादा रिस्क है इधर से, ये जो जगह यहाँ से अगर ये गुजर गया ना तो फिर टेंशन नहीं होगी। क्या 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 पाँच क्या मेरी। इसको कहते हैं जी मुश्किल रास्ता, और यहाँ पे बहुत मुश्किल हो गई थी। फिर हमने अनीफ भाई को बुलाया और साथ होकर इनको पार करवाया। तो इस तरह के कई मुश्किल रास्ते आते हैं, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल है भाई। अब यहाँ से ये गिरता ना तो वो नीचे जाना था, और इसकी हड्डियाँ भी हमें नहीं मिल रही थी साफ सुथरी। एक से एक दिन जो है ना जी वो ज़्यादा मजीद मुश्किल आता जाता है। हम सोचते हैं कि अब सुकून होगा, अब सुकून होगा, लेकिन ये सुकून एंड पे पहुँच गई होगा। आज का तो रास्ता ही बहुत मुश्किल है, और साथ में पहाड़ी के ऊपर वाली साइड पे जाना है तो ये समझ लेंगे डबल तरद्दुद है। अभी जी सफ़र करते करते हम पहुंच आए हैं इधर, इधर ऊपर जो हमारे बकरियों वाले हैं वो भी वेट कर रहे हैं, और रास्ता यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, तो कोई रास्ता ढूंढेंगे, ढूंढ के फिर जो है
उस पर सफर करेंगे, वरना ये सामान हमें इनसे उतार के ना तो उठाना पड़ेगा। भाई एक और मसला आ चुका है, मसला ये है कि हम ऊपर जा रहे हैं और ऊपर हैं बकरियां और वहां से आते हैं पत्थर, और ये बड़े बड़े पत्थर आते हैं और ये पत्थर अगर किसी के सर में लगा ना तो वो इधर ही पूरा हो जाएगा। ये जगह क्रॉस किया अभी बड़ी मुश्किल से, और यहाँ पे इस तरह के जो पत्थर पड़े हुए हैं ना ये जाते हैं नीचे, इस मिट्टी में ना पत्थर बहुत ज़्यादा है, तो अभी भी ऊपर से ख़तरा होता है कि किसी भी तरफ से पत्थर आए और वो जो है ना ज़्यादा नुकसान का बायस बनेगा, तो इसलिए बड़ा संभल संभल के चलना पड़ता है और बड़ा संभल संभल के पाँव रखने पड़ते हैं। अब नज़ारे चेक करें सामने के इलाके के, सही जो व्यू है वो ऊपर से टॉप से नज़र आएगा सारे इलाके का, लेकिन उसके लिए हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा बहुत ही ज़्यादा। करे पत्थर जा रहा है, वो गया पत्थर, वो गया, इस तरह जाते हैं पत्थर यहाँ पे। स्पीड देखी होगी आपने पत्थर की, तो इतनी स्पीड से जब पत्थर ऊपर से आता है तो अपना आप बचाना भी ना बहुत ही मुश्किल होता है। ये तो छोटा पत्थर था, बड़े बड़े पत्थर आते हैं ऊपर से, और हम इधर स्टक हो चुके हैं, इधर रास्ता बिल्कुल सही नहीं आ रहा गदों का और बहुत मुश्किल हो रही है। यहाँ पे जी हमने सामान उतारा है सारा और स्टक हो गए थे, अब सामान उतार के यहाँ से गधे क्रॉस करेंगे क्योंकि ये जगह बहुत ही ख़तरनाक है और यहाँ से अगर गिर गया तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, और नुकसान तो नुकसान है गधे की जान चली जाएगी, तो ये बड़ा मसला बन गया यहाँ पे। और ये जो पहाड़ियाँ हैं ना मतलब अनएक्सपेक्टेड किस्म की हैं, पीछे जितनी पहाड़ियाँ हमने क्रॉस की हैं उनमें से ये सबसे सख्त और जो है ना हाइट वाली पहाड़ियाँ हैं। अभी हम सामने जी थोड़ा थोड़ा सामान उठाया जितनी जिसकी हिम्मत है, ये डंडे उठाए तंबू के, इनके टेंट के डंडे, ये आए ये उठा के अब चढ़ना है पहाड़ी पे, रास्ता बड़ा खतरनाक है ना। पाँव बड़ा देख के रखना पड़ता है, एक पाँव स्लिप हुआ ना वो नीचे जाके गिरूंगा। चेक करें ना जी, माशाल्लाह बकरियां जा रही हैं, अभी हम पहाड़ी के ऊपर आए हैं, कितनी खूबसूरत लग रही हैं, और इस तरफ के नज़ारे चेक करें अब माशाल्लाह, इस इलाके का व्यू चेक करें, वो उस तरफ नीचे रह गया हटियां, और हमने वो नीचे जो गांव है ना वहां से अपना सफ़र जो है वो स्टार्ट किया था, अभी हम भी इसी तरफ पहाड़ी के ऊपर जाएँगे और इस पहाड़ी को क्रॉस कर रहे हैं, इस पहाड़ी को क्रॉस करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बड़ा मशक्क़त वाला रास्ता था वो तय करने के बाद हम इधर कर रहे हैं रेस्ट अभी, और रेस्ट करते हुए आपको एक सरप्राइजिंग चीज़ दिखाता हूँ मैं, ये इसको हम अपनी देसी ज़ुबान में बोलते हैं बोली। तो इसके बारे में ना मैं तकरीबन 3-4 दिन पहले सोच रहा था कि मैंने भैंस के दूध की या गाय के दूध की बोली जो है वो खाई हुई है और बकरी के दूध की, तो अल्हम्दुलिल्लाह से आज ये भी नसीब होगी और ये माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है। तो इस जगह पर हमने की है रेस्ट और चाय नाश्ता बोली सब कुछ हो गया, और अब मंजिल ऊपर की तरफ, पहाड़ी देखें कितनी ऊंची पहाड़ी है, तकरीबन ये 50% में कह सकता हूँ कि ये पहाड़ी हमने क्रॉस की थी, अब 50% रह गई है, तो ये क्रॉस करते हैं, फिर उसके बाद भी आगे हमने सफ़र करना है, सिर्फ ये पहाड़ी क्रॉस नहीं करनी, इससे आगे भी हमारा अच्छा खासा सफ़र होगा। बकरियाँ हमारी चली गई हैं जी उस तरफ और हमने जाना है तकरीबन इस तरफ। चलो ऊपर ही, इस वक्त तकरीबन दिन के 1 बजे का टाइम है और हम सफ़र कर रहे हैं, तो इसलिए जो धूप है ना वो बहुत सख्त पड़ रही है। जो भी पहाड़ी होती है ना मतलब जिसमें चढ़ते हुए हमें पहला या दूसरा दिन होता है तो उधर गर्मी ज़्यादा होती है, और अभी तो गर्मियां भी सही शुरू हो चुकी है ना, इस वजह से इन पहाड़ियों के स्टार्ट में भी गर्मी होती है। बेसिकली जब 2 पहाड़ियाँ होती हैं उनके सेंटर में तो बहुत गर्मी होती है, फिर जब आप ऊपर चढ़ते हैं पहाड़ी के टॉप वाली साइड पर फिर गर्मी जो है ना वो ख़त्म हो जाती है, इवन के सर्दी जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है। ऊपर की तरफ हम सफर कर रहे हैं, ऊपर किसी और बकरवाल की बकरियां हैं। जानी भाई किधर गए आप? जानी भाई पत्थर की स्पीड से आ रहे हैं ऊपर से, 100 की स्पीड से यकीन माने इतनी स्पीड से पत्थर आ रहा है, एक भी अगर हमें लगा ना तो एकदम खत्म, उधर ही मौके पे जानी भाई, मौका फिड़कने का मौका ही नहीं मिलेगा। यही बात है, हमने कहा कि वीडियो बना के अलर्ट कर देंगे, इधर
मौत जो है ना वो पत्थर लगने से आराम से हो सकती है। यहाँ पे हमें एक जंगली फ्रूट नजर आया है, इसको क्या बोलते हैं भाई? बोलते हैं मेवा। मेवा, मेवा बोलते हैं इसे। और ये खाते हैं जी? पक जाए तो जी। पक जाए तो कौन से सीजन में पकता है ये? बस अभी पकने वाला है। पकने वाला है, मीठा होता है जी। अभी कच्चा है, वरना हमारे नसीब में भी होता है ये मेवा। भाई ने बोला है कि ये आप खाएं, खट्टा होता है, तो ये जंगली फ्रूट जो है वो ट्राई करते हैं देसी। इसका कोई टेस्ट नहीं है, बिल्कुल ऐसे फीका, लेकिन फायदे तो होंगे इसके, जाहिर सी बात है। आज के सफर की मुश्किलात में बहुत सारी चीजें इकट्ठी हैं, धूप, गर्मी, चढ़ाई, पानी की कमी और पहाड़ी से जानी भाई पत्थर गिर के सर पे लगने का डर। तो ये सारी चीजें काउंट करके ना आज हमने सिर्फ सफर शुरू करने के बाद यही अल्फाज बोलेंगे, मुश्किल मुश्किल मुश्किल। जनरली आज मुश्किल है, थोड़ी पहाड़ी रह गई है उस तरफ ऊपर, ये क्रॉस करेंगे फिर थोड़ी सी आसानी, उम्मीद है कि हो जाएगी, उम्मीद है। अभी जी हमने फिर कहा थोड़ी सी रेस्ट कर लें, और यहाँ पे सामने हमें एक गांव नज़र आया है, ये वाला गांव। इस गांव का नाम है फटकेतर, और इधर ऊपर है कायनाड, वो रहा फटकेतर और इधर ऊपर है कायनाड। हमने जाना है कायनाड की तरफ। फाइनली जी हमने वो वाली पहाड़ी क्रॉस कर ली, सामने का व्यू आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ के लोकल शहजादे हैं। क्या नाम है इस जगह का? कायनाड और कोपरा, खांडा, बेला, कोपरा और कायनाड, ये हैं यहाँ की लोकेशंस। और अभी हमने जाना है तकरीबन कायनाड। यही बात है जानी भाई, कायनाड जाएंगे सीधा सीधा। जानी भाई का पसीना देखे ना। हमने जो पहाड़ी क्रॉस किया वो ये वाली पहाड़ी थी, और वो नीचे गांव है जी। इस गांव से हमने सफर शुरू किया था, और अब हम पहुंचे इस जगह पे। सोचे कितनी बड़ी हाइट है इसकी। अभी हम हैं जी इस रूट के ऊपर, आगे की तरफ जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, कल्चर बदल रहा है, लिबास बदल रहा है, जुबानें बदल रही हैं, लोगों का रहने सहने का तरीका बदल रहा है। ये सारी चीज़ें भी इंशाल्लाह मैं साथ साथ कवर करने की कोशिश करूँगा। कायनाड का ये जो इलाका है ना जी, इसमें बर्फ़ भी अच्छी खासी पड़ती है, लेकिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। पता नहीं हम सफ़र कर रहे हैं इसलिए हमको ज़्यादा गर्मी लग रही है, लेकिन यहाँ पे अभी मैंने लोकल जो वो छोटे थे मेरे साथ उनसे पूछा, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि यहाँ पे दो फीट बर्फ़ तकरीबन पड़ती ही पड़ती है, लेकिन गर्मी का भी वो लेवल है ना जी कि बंदे के पसीने छूट जाते हैं। सामने जी जो गाँव है ये कायनाड का इलाका है, और यहाँ से हमारे गधे गुजरने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी हो रही है। अच्छे खासे चलते चलते जी रास्ता ख़राब आ गया। अब हमारी इतनी कोई सेहत भी इस वक्त इजाज़त नहीं दे रही, क्या ख्याल है जनाब? हाँ। कि हम जो है ना वो यहाँ से सारा सामान उतार के वापस इधर रखें, तो बड़े मुश्किल हालात हैं। फंस गया, फंस गया ओ। निकल गया। इस गांव में बने हुए मकानात ज़्यादातर चादरों के हैं, और इस डिज़ाइन के बने हुए मकानात बहुत ज़्यादा हैं इधर। और दूसरी साइड पे इधर माशाल्लाह चेक करें ना, खूबसूरत सी मस्जिद बनी हुई है, चादरों की बनी हुई है वो भी। ये बर्फ़ की वजह से इस तरह के मकानात होते हैं। अभी जो है हम ने एक और पहाड़ी क्रॉस करने का इरादा किया है। ये जो सामने पहाड़ी नज़र आ रही है, या फिर हम इस पहाड़ी को क्रॉस करेंगे या फिर इसी में स्टे करेंगे। अगर हिम्मत रही तो क्रॉस कर लेंगे, और अगर ना हिम्मत हुई तो फिर नहीं क्रॉस कर सकेंगे। कोशिश बहरहाल जारी है। काफ़ी देर के बाद ये कच्चा सा रोड छोटा सा हमें मिला है, जिसके ऊपर थोड़ा सा सुकून से हम सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि पहले जितना भी इलाका था ना वो सारा पहाड़ी इलाका था, उसमें रास्ता शास्ता कोई नहीं था, और वो बड़ी स्ट्रगल के साथ हमने उस इलाके में सफ़र किया। रोड का सहारा भी ज़्यादा देर ना रहा जी, रोड ख़त्म और रास्ता शुरू। ख़राब रास्ता, और इंतहाई ख़राब रास्ता है। अभी तो थोड़ा ठीक है, लेकिन थोड़ा आगे जाएंगे ना फिर से ऐसे चढ़ाई है। ऐसे नज़ारे चेक करें जी इस इलाके के। हम लोगों ने जब वो पहाड़ी क्रॉस की थी, तो वो वहाँ से उस पहाड़ी से हम आए और ऐसे घूम के यहाँ तक पहुँचे, और अभी हमने आगे जाना है उस तरफ कहीं। और नीचे मैं आपको एक मकान दिखाता हूँ, ये मकान चेक करें, ये पुराने ज़माने की कंस्ट्रक्शन मुझे लग रही है, लेकिन है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। तो जानी भाई कितना सफ़र और करेंगे आज? सफ़र बस आधा घंटा और। ये
आपका आधा घंटा दो तीन घंटे तो होते नहीं नहीं इधर ही आ रहा जी सामने उधर सामने इंशाल्लाह या हम उस पहाड़ी पे रहेंगे या फिर उसको क्रॉस करेंगे दो ही ऑप्शन है यही बात है जानी भाई यही बात अभी जी हम लोग पहुंच आए हैं एक और जगह पे यहाँ पे हम लोग रेस्ट कर रहे हैं थोड़ी फिर आगे बकरियों वाले आएंगे फिर हम देखेंगे कि आगे सफ़र हमने कंटिन्यू करना है या नहीं वैसे चांसेस यही हैं कि कंटिन्यू करना पड़ेगा सफ़र आगे ऊपर की तरफ तो अभी बस थोड़ी देर रेस्ट वेस्ट करते हैं और वेट करते हैं बकरियों वालों का बकरियां हमारी जी वापस आ चुकी हैं आज का अभी तक का हमें मुझे जो प्लान लग रहा है वो यही लग रहा है कि हम इधर स्टे करेंगे यहाँ पे एक चाचू आए हैं अस्सलाम वालेकुम चाचू कैसे हैं ठीक हैं चाचू क्या एज है आपकी उम्र कितनी है आपकी 76 साल माशाल्लाह और चाचू इस जगह का क्या नाम है कैनाड ठीक हो गया ये बताएं चाचू के यहाँ की जो पुरानी जिंदगी होती थी वो कैसी थी पुरानी जिंदगी में बड़ी याची कटी है अच्छी जिंदगी थी इधर की रोड थी कि नहीं रोड उस वक्त ना थी नहीं थी ना। सही है और बर्फ पड़ती है इधर बर्फ पड़ती है कितनी एक प्यारे तो मोई प्यारे यहाँ से हूँ ये साल एक तो बहुत बढ़िया थोड़ी सारा तलाई सही 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 ठीक हो गया और चाचू की जुबान से भी आपको समझ लग गया होगा कि यहाँ पे आके ना थोड़ी जो पहाड़ी जुबान है वो थोड़ी सी और तरह से बदल जाती है मीरपुर कोटली पलंदरी सुदनोती रावला कोट जब आप ये एरिया क्रॉस करते हुए आते हैं ना तो फिर यहाँ पे पहुँच के जुबान थोड़ी मजीद चेंज हो जाती है ये सीन ये है जी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें रहने के लिए जगह मिल गई है यहाँ पे आपके भाई ने लगाया टेंट ऊपर हैं हमारे बकरवाल भाई ये बेसिकली आज हम ऐसी जगह पे रुके हैं यहाँ पे जो ज़मीन है वो किसी बंदे की और उन्होंने कहा कि आप आज हमारी ज़मीन में स्टे करें तो आज हमने इधर स्टे करना है और ये वही कल कैनाड जो जगह थी उधर ही हम स्टे कर रहे हैं टेंट लगाया मैंने ये चेक करें जी ये टेंट है मेरा और अभी इसके अंदर मैंने अपने बिस्तरे वगैरह सेट करने इस तरह से कुछ सीन है और बिल्कुल जो है ना वो अंधेरा हो चुका है तकरीबन मगरब का टाइम हो गया मैंने बस टेंट लगा के अभी मगरब पढ़नी है टेंट लग गया बस बिस्तरा शिस्तरा रख के मगरब पढ़नी है एक और सवाल मुझे बहुत ज़्यादा पूछा गया है वो ये कि ये बकरवाल भाई शाम को अपनी बकरियों का क्या करते हैं तो भाई ये इस तरह से अपनी बकरियां सारी जो है ना वो जहाँ पे सोते हैं उधर एक सर्कल सा बना लेते हैं और उसमें इकट्ठी करते हैं जी तो अल्हम्दुलिल्लाह से अभी खाना शाना हमने खा लिया है और मैं वापस अपने टेंट में आ चुका हूँ ये मेरे स्लीपिंग बैग्स वगैरह पड़े हुए हैं इनको मैंने सेट वेट करना अभी अच्छा अक्सरियत में लोग पूछते हैं कि आप खाने में क्या खाते हैं तो भाई आज जो हमारा खाना था वो बकरी का दूध था और साथ में रोटियां थी तो जिस दिन टाइम हो थके हुए ज़्यादा ना हो उस दिन फिर खाना शाना सुकून से बनाते हैं और जिस दिन थकावट ज़्यादा हो फिर जो है ना बस होटल से रोटियां छोटियां पकड़ ली और खाना जो है साथ में बकरी का दूध शूध पी लिया इस तरह निज़ाम चलता रहता है ये मामला अक्सरियत में चलते हैं हमारे